जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जो SSC CPO 2022 के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं उनको सबको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हो। पहले आप बेरोजगार थे, अब रोजगार हो गए। रोजगार और बेरोजगार में सिर्फ बे शब्द का डिफरेंस है, लेकिन इस बे शब्द को हटाने में कई साल लग जाती हैं। किसी को 23 साल लग गए, किसी को 24 साल लग गए, किसी को 25 साल लग गए। मेरे को 23 साल लगे थे इसको बे शब्द को हटाने के लिए। किसी को आप में से 22 साल भी लगे होंगे और 22 साल 21 साल भी लगे होंगे, पर मेरे अनुसार 21 साल से कम तो किसी को भी नहीं लगे होंगे। 21 साल तो आपका मिनिमम ही होगा। अब किसी को 25 साल से ज़्यादा भी लगे होंगे, तो इसलिए मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने वाला कहने वाला हूँ कि आप अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हो। तो उसी के लिए मैं आपको जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में आपको जो भी आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं उसके साथ आपको क्या क्या कंपलसरी आइटम ले जाने हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया है उन्हीं डॉक्यूमेंट्सों को लेके जाना है। उनके साथ आपको आपकी बैंक की पासबुक जो SBI बैंक से होनी चाहिए, और फिर उसके बाद चेकबुक होनी चाहिए, और जो भी आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर में और भी डॉक्यूमेंट्स लिख के दिए होंगे उनको लेके आना है। सबसे कंपलसरी आपको आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाने हैं, लगभग 30 फोटो लेके जाने हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में ये फ़ोटो बहुत महंगा पड़ेगा। आपको यहीं से ही लेके जाना है आपको। और इसके बाद आपको 2 पेयर वाइट शूज़ ले जाने हैं जो भी हाई क्वालिटी के हैं, क्योंकि आपको पर डे लगभग 20 किलोमीटर आपको चलना ही होता है, तो उसके लिए आपको हाई क्वालिटी के शूज़ चाहिए जो रनिंग के लिए। जो भी आप जितना नंबर का शूज़ पहनते हैं उसी एक नंबर प्लस लेके जाना है, क्योंकि इतना रनिंग करने से आपकी पैरों की उंगलियाँ ख़राब हो जाती हैं यदि उसी नंबर का आप लेके जाते हो जिस नंबर का अभी आप प्रेजेंट में पहन रहे हो। इसलिए आपको ये 1+ नंबर लेके जाना है ट्रेनिंग सेंटर में, 2 पेयर शूज़ हाई क्वालिटी, और 2 पेयर शूज़ वाइट, ये सभी शूज़ वाइट होने चाहिए। इसके बाद आपको 2 पेयर वाइट शूज़ चाहिए जो भी मीडियम क्वालिटी के, जो आपके लिए जैसे क्लास के लिए हो सकते हैं और आपके गेम पीरियड के लिए काम आ सकते हैं। इसके बाद आपको 5 वाइट टी शर्ट, 5 वाइट शॉर्ट्स होने चाहिए। शॉर्ट्स आपको लुप्पीदार होते हैं, जो भी बिना लुप्पीदार जो भी आप शॉर्ट्स लेंगे वो कुछ भी काम के नहीं हैं। आपको लुप्पी होनी चाहिए जिससे आप उसमें अंदर बेल्ट लगा सकें, क्योंकि उसमें आपको बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको एक फुल लोअर भी चाहिए जो वाइट होना चाहिए, क्योंकि कभी बीच बीच में उसका भी काम आता है, जैसे आपको संडे में गेम खेलना है तो उसके साथ खेलते हैं, या कोई प्रोग्राम होता है तो उसी वाइट लोअर के साथ फुल लोअर के साथ ही आपको अटेंड करना होता है प्रोग्राम। और इसके बाद आपको आपकी शेविंग किट भी लेके आनी है, जिसमें आपको आपके रेजर बढ़िया हाई क्वालिटी के होने चाहिए, ब्लेड, फोम, शेविंग फोम, और भी जो भी आपको आवश्यकता हो उन आइटमों को आप अपनी शेविंग किट में ले सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी पर्सनल आइटम ले सकते हैं, जो भी आपको पर्सनल चीज़ चाहिए उसके लिए। और उसके बाद आप अपने आपको स्लीपिंग किट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको आपका बिस्तर, स्लीपिंग बैग। इसके बाद आपको एक 1 वाइट शर्ट, 1 ब्लैक पैंट एंड 1 ब्लैक सूट चाहिए। ये सभी तीनों के तीनों फॉर्मल में होने चाहिए, क्योंकि ये आपको संडे संडे के दिन मंदिर मार्का में जाने के लिए काम आएंगे, और संडे को जो मार्का लगता है उसमें आपको पहनना होता है। और इसके बाद आपको एक जोड़ी आपके पर्सनल शूज़ जो भी आप अभी पहनते हैं बाहर जाने के लिए। इसके बाद आपको आपके 1 पेयर शूज़ चाहिए जो भी आप अभी प्रेजेंट में पहनते हो, जो कहीं भी कोई ओकेजन पर जाने के लिए, क्योंकि आपको संडे में जो आउट पास मिलेगा या आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे तो आपको उन्हीं शूज़ों को पहन के जाना है। और आपकी अपनी पर्सनल एक ड्रेस होनी चाहिए बाहर जाने के लिए, जैसे कहीं आप फंक्शन में जाते हो उसको यूज़ लेते हो। बस इतना ही है, बस इस वीडियो में इतना ही है, और आपसे अब नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे।